सबसे लोकप्रिय नेता भी तो है ना पीएम मोदी, कोई और है टक्कर में बताइए। मोदी जी को बस बोलने आता है, उससे बोल के ही वो सबको लोकप्रिय कर लिया है, लेकिन काम के मामले में वो जीरो है, जीरो ग्राउंड पे वो जीरो है, बाकी टीवी न्यूज चैनल में वो हीरो है। डेट में अपने प्राइम मिनिस्टर जितना बेरोजगार दिखते हैं, इतना कोई प्राइम मिनिस्टर बेरोजगार नहीं था। हर चीज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करने पहुंच जाते, क्या ये शोभा देता है एक प्राइम मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको सिर्फ ओपनिंग करना शोभा नहीं देता है। जो कहीं पे भी वो एक छोटा से पुल हो या नाला हो या कुछ भी उद्घाटन करने चले जाते, देश में बहुत सारा काम है जिस पे वो ध्यान ही नहीं देते। आप देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ। फिसा लोकसभा चुनावी जंग को लेकर हार जीत की बिसाते बिछड़ने लगी है। सत्ता पक्ष इस कोशिश में है कि कैसे 400 प्लस टारगेट को हासिल किया जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को मात देने के लिए तैयारियों में जुट चुका है। चर्चा कर लेते हैं जनता के बीच हाजिर हूं कि जनता अपनी क्या मुद्दे लेकर तैयार है और किस तरीके की राय जनता बीजेपी सरकार को लेकर लगा है, उस पक्ष विपक्ष की जो गठबंधन दिख रहा है उसको लेकर क्या कुछ समझ रहा है, बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम जनता है और आम जनता ही फैसला करती है कि अगला नंबर या अगली गद्दी किसके हाथ में देने वाली है। पीएम मोदी लगातार भाषण दे रहे हैं सर, लगातार चुनावी मैदान में उतर चुके, कमर तो कस लिए तमाम लोगों ने, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं अब इस सियासी जमीन को? सुप्रीम सरकार बनेगी मोदी जी की 24 में, इतिहास रचा जाएगा, 400 पार कटा रहा है, ठीक है। और एक आदमी नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों स्तंभ मोदी जी के साथ हैं, समझे। अब तक जो भी था वो जैसा भी रहा हो, लेकिन इस इलेक्शन में एक नया ही तरीका आएगा और 400 के पार जाएगा। आपके पास सर, आप कैसे देख रहे हैं 400 प्लस के टारगेट को बीजेपी के? हमारे बड़े भाई ने कहा कि सबका विश्वास लिया है, सबका विश्वास किया है, ना तो जवान और ना तो किसान, ना तो जवान विश्वास में आ रहा है और ना किसान विश्वास में आ रहा है। अब ये कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो फिर ये लड़ाई क्यों हो रही? हमारे किसान बेचारे वो वहाँ लड़े जा रहे, अब ये कुछ भी कहते उनको, जवान के लिए इन्होंने 4 साल कर दिए, जो हमारा बेचारा किसान वो जवान शहीद हो जाता है उसको शहीद की उपाधि नहीं दी जाती है, तो अब विश्वास किसका करें हमें ये नहीं पता है। हमें जवान पर विश्वास था और किसान पर विश्वास था, अब ये बताएं कि हम विश्वास किस पे करें? हमें नेता पे तो किसी नेता पे विश्वास नहीं है, लेकिन हमें अपने जवान पे विश्वास है और हमें अपने किसान पे जरूर यहाँ तक विश्वास है, हमें मरते दम तक विश्वास है कि हमारा जवान हमारे साथ गलत नहीं कर सकता और हमारा अन्नदाता हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। पिलरों पर विश्वास कर रहे हैं जवान और किसान, हाँ। दोनों ही सरकार से नाराज दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब सरकार जिस पिलर पर खड़ी है वो डगमगाने वाला है, गिरने वाला है? क्यों डगमगाएगी, मीडिया साथ में है ना, बहुत साथ में। ऐसा क्यों कह रहे कि मीडिया साथ? अरे अगर ना साथ होता तो हमारे जजों को नहीं, जज को नहीं बोलना पड़ता चंडीगढ़ में। अगर मीडिया इतना अच्छा होता तो दिखाता रहता कि भाई ये देखे चंडीगढ़ में गलत हुआ, ये चंडीगढ़ में गलत हुआ, जैसे दिखाते आज मोदी जी ने पहला पैर रखा, ये बायां पैर रखा, ये सफ़ेद कुर्ता पहना और ये उतर गए, अब आज विदेश जा रहे हैं, तो ऐसे चंडीगढ़ वाला भी दिखाते रहते, तो हमारे जजों को अपना टाइम ना बर्बाद करना पड़ता, देश का पैसा ना बर्बाद करना पड़ता, लेकिन उनको ज्ञान लेना पड़ा और बोलना पड़ा कि भाई ये सरकार गलत कर रही है। आपने प्रश्न उठाया, तो क्या लगता है कि मीडिया की कितनी भूमिका आप देख पा रहे हैं देश के इन हालातों में जो इस वक्त मौजूद? नेता काम कर रहे हैं 50% और मीडिया काम कर रहे हैं 150%, इतना हम मीडिया को शाबाशी देते हैं, मीडिया 150% काम करती है इनके लिए। अगर इतनी अच्छी होती, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ के सांसद हैं गौतम गंभीर जी, वो 1 रुपए में गरीब आदमियों को पेट भर खाना खिलाते हैं, अब बताइए उसके अंदर क्या बुराई थी कि उसकी टिकट काट दी गई, कि जो हाली आला कमान के कंट्रोल में ना उनकी टिकट कट दिए, जो अच्छा हम भाई हम गलत बोले तो मैम कटिंग कर दोगे, अगर अभी हम आपके खिलाफ बोले तो आप कटिंग करके दिखाओगे इसमें, तो हमें तो आपके तरफ में बोलना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात। क्या लगता है कि टिकट कटने के बाद कोई बगावती सुर भी सुनाई देंगे, भीतर कुछ ना कुछ हलचल तेज हो जाएगी? कहते हैं बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर ये बताओ जमानत कौन कराएगा, कराओगे जमानत? तो इसलिए भैया क्यों बोलवा रहा हूं, सर आ जाते हैं, क्या नाम है आपका, माफ कीजिएगा सर, क्या नाम है आपका, इधर आके बात करते हैं हम। बड़ी बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं और इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। पीएम मोदी का फेस वैल्यू ब्रांड बन चुके हैं, 400 प्लस का टारगेट दे रहे हैं, हालांकि कई नाम काट दिए गए, कैसे देख रहे हैं, कितना संभव आप देख पा रहे हैं? भाई देखिए हमें जहाँ तक पता है, आज मेरी 40 साल की उम्र हो रही है, पर ये लोग कहते थे कि चुनाव जो है वो छुपा होता है, पता नहीं होता क्या होना और क्या नहीं होना है,
जनता किसके तरफ जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन आज का समय ये है कि इनको पहले ही पता हो जाता है कि 400 आएंगे, तो क्या सेटिंग है भाई? मेरे को तो नहीं पता भाई। अब आपको अगर पता हो जा रहा है कि आगे जाके कुछ होगा, तो इसका मतलब आपको पता ही है कि आगे कुछ होता। अभी तो बता पा रहे हो, और पहले हमें फुल कॉन्फिडेंस है भाई, उनको फुल कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे। जैसे खेत में किसी चीज़ की बुआई करते हैं, खाद जुताई और बीज अगर परफेक्ट हम डाले हैं, तो किसान उससे ये कह देता है कि फसल हमारी अच्छी होगी। तो उन्होंने जो काम किया है उस चीज़ पे उन्होंने कहा कि 400 पार, 400। ये जनता भी कह रही है कि कुछ ना कुछ कार्यकाल अच्छा रहा होगा, जनता के लिए काम हुआ, तभी तो इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि 400 पार। मैं इनसे पूछ लेता हूँ जी जी, कि जैसे आपका एक बच्चा है जी, आपने उसको वो आपसे रूठ गया है, आपको खर्चा पानी नहीं देता है, तो आप उसे कंप्रोमाइज कराने के लिए क्या कहेंगे उससे? खर्चा नहीं देता है, मतलब आपकी सेवा नहीं करता है, खर्चा नहीं देता, ये पूछ रहा हूँ जी जी। तो क्या कहेंगे, मतलब हमें बुला के किसी और भाई को बुला के क्या कहेंगे आप? पहली नहीं नहीं, पहली बात तो रूठने का हो सकता है हमारे संस्कार में कोई कमी रही हो कि आज बच्चा हमसे दूर भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको जरूर समझाएंगे, बेटा अगर कहीं पे कोई कमियां हमसे रह गई हो तो उस चीज़ को बताओ तुम, और नहीं तो अगर दूर भाग रहे हो तो ठीक है, कल लौट के फिर आओगे तुम। देखिए तीनों ही बातें कह दी, संस्कार में भी कमियां हैं और तरीके से मनाना भी चाहिए। हालांकि जिस पॉइंट पर आप आ रहे हैं मैं समझ रही हूँ सर, किसान रूठे पड़े हैं सरकार से, सरकार मना तो नहीं रही। देखिए हम क्या करें, संस्कार में हमारे कमी रह गई कि हमारे बेचारे वो कीले लगे इतनी बड़ी बड़ी, वो अंदर नहीं आ पा रहे, क्योंकि दिल्ली एक आदमी की है। हमारा जो जवान है वो 4 साल के लिए बन गया, और हम बताते क्यों रूठता आपके बेटा, यही है। अब सुन तो लीजिए, किसान जब आंदोलन किए थे उसी समय, उसी के कुछ समय बाद अगर यही दोबारा जो है उन्होंने वो किया होता तो ये स्थिति आज की न बननी होती। आज इलेक्शन सर पे हैं, हर पब्लिक जो नवयुवक हैं जो जागरूक हैं कि आज इलेक्शन के समय में ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं अरे तो पीएम मोदी ने वादा कर दिया था ना कि गलती हो गई माफ कर दीजिएगा, नहीं ऐसा कर देंगे पूरा, मान लेंगे मांग, तो पीएम मोदी ने विश्वास नहीं बात, ये मानेंगे ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैं किसी हाँ बता पूछो, किसी के मैं किसी के भक्त नहीं हूँ, मैं केवल सपोर्टर हूँ काम के, काम जो गिनवा दीजिए, गिनवा दिया। अगर मोदी जी इतने ही ईमानदार होते, ईमानदार भी पहले बात तो सुनिए, अगर मोदी जी इतना ऑनेस्ट से चुनाव कराना चाहते तो क्या बोलता है इलेक्शन कमीशन को अपने पक्ष में नहीं करते? इसका जवाब है कुछ? जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक सुप्रीम कोर्ट का मेंबर एक क्या बोलता विपक्ष का रहेगा एक पक्ष का रहेगा, तो मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर और एक मंत्री और एक विपक्ष, तो इसमें निष्पक्षता कहाँ रही बताइए? अगर है तो बताइए, आप ईमान से बताइए, आप तो घिर गए, आप बताइए हर बातें एक प्रधानमंत्री के ऊपर डाली जाती हैं, सेक्शन किसी और का, इलेक्शन और विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, गली मोहल्ले की सड़कें का उद्घाटन करना हो तो तब भी तो पीएम मोदी ही जाते हैं, वो पार्टी है मैडम। अच्छा, तो मोदी जी विरोध तो कर सकते थे एटलीस्ट कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मोदी जी बोल तो सकते थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को रखिए, सुप्रीम कोर्ट को रखिए, सुप्रीम कोर्ट जरूरी है, अगर निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो सबका साथ सबका विकास चाहिए, लोगों को विकास नहीं दिखता, आप मोदी विरोधी हो। नहीं नहीं देखिए मोदी जी ने सुनिए काम बता दे, देखो हम काम बता रहे हैं आपको, मोदी जी ने 18 किलोमीटर का रनवे जो कम किया वहाँ बॉम्बे का पुल बनाया ना, लेकिन ये बताइए जो हमारा पुल बनाया उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? अब बताइए आप इसको किसका योगदान था? जितना डेवलप हुआ है हम पब्लिक का योगदान है, उसमें सरकार के योगदान नहीं है। हाँ तो ये उनकी, हम लोग को समझना होगा, क्यों काटे हैं फीता, वो क्यों काटे कटवाओ ना फिर, क्या हम आप जाएंगे फीता काटने के लिए? जाएंगे भाई, वहाँ पब्लिक में रहती है, आप क्या पुल बनाइए ये पब्लिक खड़ी कटवा ले फीता, जिनको चुनके आज के डेट में अपने प्राइम मिनिस्टर जितना बेरोजगार दिखते है, इतना कोई प्राइम मिनिस्टर बेरोजगार नहीं था, हर चीज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करने पहुँच जाते, क्या ये शोभा देता है एक प्राइम मिनिस्टर को
प्राइम मिनिस्टर के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको सिर्फ ओपनिंग करना शोभा नहीं देता है। जो कहीं पे भी वो एक छोटा से पुल हो या नाला हो या कुछ भी हो, उद्घाटन करने चले जाते, देश में बहुत सारा काम है जिसपे वो ध्यान ही नहीं देते। सबसे लोकप्रिय नेता भी तो है ना पीएम मोदी, कोई और है टक्कर में? बताइए। मोदी जी को बस बोलने आता है, उससे बोल के ही वो सबको लोकप्रिय कर लिया है, लेकिन काम के मामले में वो जीरो है, जीरो। ग्राउंड पे वो जीरो है, बाकी टीवी न्यूज चैनल में वो हीरो है, ग्राउंड पे वो जीरो है, ये रियलिटी है मैम। नेताओं में सबसे हीरो माने जा रहे हैं और आप कह रहे जीरो है पीएम मोदी, क्या कुछ? वो टीवी में हीरो है मैम, वो टीवी में हीरो है, बाकी ग्राउंड पे जीरो है। आप देख लीजिए, आप पूछ लीजिए, खुद समझ में आएगा। जीरो क्यों लग रहे हैं आप बताइएगा? जीरो मैम काम नहीं कर रहे तो इसलिए जीरो है। दिल्ली घूमे हम लोग ही ना, उनको जिता करके पहुंचाए 2019 में। मेरा नाम शहजाद आलम है। शहजाद जी, दिल्ली घूमिए, सारी तरफ एडवर्टीजमेंट लग रहे हैं, मोदी की गारंटी स्वच्छ भारत, मोदी की गारंटी पक्की छत, तो क्या सिर्फ प्रचार पर पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, तो प्रचार पे तो आप देख लीजिए, निकाल के आरटीआर डाल के आप देख लीजिए, आप आरटीआर डाल के देख लीजिए प्रचार में कितना खर्च हो रहा है। वो भी खत्म कर दिया गया, तो ये बोलो ना, सही बात है। हम बताते, सुनो, हमने आपसे कहा था ना भैया, भी नहीं हो पाएगा। एक तरफ मोदी की हुकार सर 405, दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर? हमने आपसे कहा था ना, जब बेटा आपका शाबाशी मतलब सेवा ना करे तो आपको बताना पड़ेगा पब्लिक में जाके कि मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसकी इच्छा पूरी करी, इसने जो मांगा वो मैंने दिया, और आज मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा नहीं बन रहा है। यही कहेंगे ना कि भाई हमने इसे पढ़ाया, मेहनत करके उसने किया। ऐसे ही हम भी प्रधानमंत्री जी को अपनी उनकी बातें बताएंगे। सुनो बताएंगे क्या? सुनो, नहीं नहीं भुलवा, चल मन की बात पीएम मोदी बहुत करते हैं, अब जनता की बात जान लेते हैं कि जनता के मन में क्या आ रही हूँ। सर क्या क्या बातें हैं आपको लेकर, चुनाव आ रहे हैं, तैयारी की बात रहे? 2 करोड़ नौकरियां, काला धन, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, और आपका जो भी विधायक सांसद गोद लेने वाले थे वो, तो वही हम मोदी जी से कह रहे हैं कि आप हमारे पिताजी हो, ये जो आपने कहा तो वो कर दो और आप हमसे वोट ले लो। आपने 14 में कहा था, अब 10 साल का बच्चा जब उस समय 10 साल का था तो अब 20 साल का हो गया ना, तो अब 20 साल का बच्चा तो कहेगा ही कि पिताजी हमारा काम तो करा दो, यही आप पिताजी बोल दो, तभी तो होगा। और बात है 400 के पार, तो 400 नहीं वो 600 लाएंगे, 600 की लाएंगे, क्योंकि 600 में क्या होगा, चंडीगढ़ होगा, कुछ भी कर लो तुम। जब सही है सर, आइएगा, कहाँ जा रहे हैं, नाराज होकर आइएगा। पीएम मोदी कह रहे हैं, नारा दे दिया देश को कि मैं मोदी का परिवार, पहले नारा दिया था मैं भी चौकीदार, क्या लग रहा है इस नारे से क्या होगा? गलत था वो, उन्होंने चौकीदार कहा और चौकीदार की पूरी भूमिका उन्होंने निभाया। बिल्कुल बिल्कुल, सीमा दे गई, सीमा दे रही, चौकीदार के अंदर आ गई। चोर को मैम पार्टी में ही ले आए, जिसको जिसको चोर कह रहे थे सारे चोर को पार्टी में ले आए, वो चोर से हट गया सारा नाम, आप बोल रहे हैं कि चौकीदार रक्षा कर रहा है। एक बहुत सौभाग्य की बात है, एक पाकिस्तान की लड़की हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को पसंद किया और वहाँ से चौकीदार, मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार चोर के नारे भी लगे, तब पीएम मोदी कह रहे हैं मोदी का परिवार, ये नारा कितना सरदार होने वाला? क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं वो समझ नहीं आता है। हम समझ आ रहा है आपको बीजेपी का? दिख रहा है काम? हम बता रहे हैं, आप भी रास्ते से आती होंगी, ऊपर से तो नहीं आती होंगी, यहाँ पहले से रास्ते से आते, पिछले 8 सालों में तो रास्ते से नहीं गुजरे। सुनिए, यहीं से आप बाहर निकलिए, यूपी जहाँ से शुरू होगा वहीं से आपको बंगाल तक, बिहार भी क्रॉस कर जाइए। पहले बंगाल में भी इतने इतने गड्ढे होते थे, जब ट्रक वाले घुसते थे वेस्ट बंगाल से बिहार के अंदर तो कितने ड्राइवर मार दिए जाते थे। नितिन कटकरी, हाँ कटकरी जी, कटकरी है, ठीक है। आप देखिए जनता और जनता मुद्दों को लेकर तैयार मार रही हूँ आपके साथ, आप क्या कुछ कहेंगे? युवा साथी हैं, युवाओं को इस बार बीजेपी बहुत मौका दे रही है, कह रहे कि अब युवा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आप कैसे देख? आत्मनिर्भर भारत युवाओं को नौकरी दे करके बनेगा, और नौकरी सरकार के पास है ही नहीं तो कहाँ से युवा? रोजगार तो दे रहे ना पकौड़े तलने का। हाँ, तो पकौड़े तलने से अगर रोजगार है तो फिर पढ़ा लिखा कहाँ जाएगा? पकौड़ा तलने वालों के लिए तो पकौड़ा तल ही रहे, जो उस काबिल है वो पकौड़ा तल रहे, लेकिन पढ़ा लिखा पकौड़ा तलेगा तो वो देश को शोभा देगा कि बीटेक एमटेक करके वो पकौड़ा तले? मोदी जी ने टारगेट दे तो दिया 400+, जितवा दीजिएगा, ये भी काम है, लग जाइए युवा, क्या पड़ी है नौकरियों? मोदी जी
बोलने में बहुत आगे है, वो देश के युवाओं को फंसाना कैसे वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आप क्या कह रहे हैं सर, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी की बात अभी कर रहे थे, क्या राय है आप क्या समझे, चलिए बताइए राजनीति में। नहीं नहीं अब नहीं बोलेंगे, बोलना था पहले पर अब बोलना उचित नहीं अपना।